would like to talk about an issue जब किसी disease की वजह से आपके दांत निकल जाते हैं, caries हो गई, आपके periodontal issues हो गए, उसकी वजह से आपके दांत निकल गए, उसके बाद अक्सर लोग उन दांतों को replace नहीं करवाते, which becomes a big issue later on. एक दांत भी अगर निकला है तो कुदरत का निज़ाम ये है कि उस दांत की स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए बाकी सारे दांत मूव करना शुरू हो जाते हैं. सो आपका जो दांत निकला है उसकी जगह जो पीछे जो आगे वाला दांत है वो कुछ पीछे आना शुरू हो जाता है, जो पीछे वाला है वो आगे आता है, जो ऊपर वाला है वो नीचे आना शुरू हो जाता है. सो एट द एंड व्हाट हैपेंस इज कि आपके दांतों में कुछ स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं जो अल्टीमेटली आपके गम्स को भी इशू बनता है, फूड पैकिंग शुरू हो जाती है, खाना फंसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गम्स भी इफ़ेक्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कीड़ा लगने का खदशा भी होता है. फिर बाज़ुकात जब पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि मुझे अब दांत लगवा लेना चाहिए, हमारे पास आता है तो फिर स्पेस नहीं बचती. उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ और टेक्निकल काम करने पड़ते हैं. तो मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये होगा कि वन एवर यू लूज़ अ टूथ, जब भी दांत निकले तो आप उसको रिप्लेस ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि एक कुदरत का निज़ाम है, उसको बैलेंस रखने के लिए नंबर पूरा होना चाहिए. सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी. डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल.